अबाउट कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है एक ऐसी बैंक जो सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स को हैंडल करती है और कमर्शियल बैंक मतलब कौन सी बैंक होती है वो बैंक जो पब्लिक के साथ में डायरेक्टली डील करती है ठीक है जैसे एस बी आई है आईसीआईसीआई है एच डी एफ सी है पंजाब नेशनल बैंक है बैंक ऑफ बड़ोडा है ये सारी पब्लिक के साथ में डायरेक्टली डील करती है तो ये सारी बैंक बन गई कमर्शियल बैंक अब सेंट्रल बैंक जो होती है ना वो एक ही होती है कोई भी कंट्री में इंडिया में है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो कमर्शियल बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में बात क्यों नहीं करेंगे बिकॉज पब्लिक या फिर बिजनेस फर्म्स कभी भी जाके सेंट्रल बैंक से लोन नहीं ले सकती है तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है तो लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक ठीक है कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एज दे प्रोवाइड फंड डिफरेंट पर्पजेस एंड डिफरेंट पीरियड्स ठीक है लेट्स से कि हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स बैंक से कितने टाइप के लोन लेते हैं देखो होम लोन लेते हैं कार लोन लेते हैं एजुकेशन लोन लेते हैं पर्सनल लोन लेते हैं बिजनेस लोन लेते हैं कैश क्रेडिट लेते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन लेते हैं गोल्ड लोन लेते हैं देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स तो कमर्शियल बैंक जब हम बात करते हैं बोरोड फंड की तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्यों बिकॉज इट प्रोवाइड्स लोन फॉर डिफरेंट पर्पजेस एंड डिफरेंट पीरियड्स डिफरेंट पीरियड्स मतलब शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन ठीक है फर्म ऑफ ऑल साइजेस कैन अप्रोच कमर्शियल बैंक अब आपकी फर्म छोटी हो ठीक या है यानी एज अ ग्रोसरी शॉप ओनर वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू लोन दैट बीन सैंक्शन टू रिलायंस ठीक है जनरली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स अगर हम जनरल बात करते हैं तो जनरली कमर्शियल बैंक मीडियम या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स देती है बट अ डेज स्टार्टेड गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज बट आजकल कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन भी देती है बट सामने क्या मांगती है सिक्योरिटी अब बैंक जो सिक्योरिटी रखती है उसको हम क्या बोलते हैं कोलैटरल जैसे एग्जाम्पल देता हूं लेट से कि आपने कार लोन लिया है तो आपने सामने सिक्योरिटी में कुछ नहीं रखा है ऐसा हमें लगता है लेकिन वो जो कार होती है ना वो बैंक के नाम पे होती है वेन यू क्लोज द लोन यानी जब आप रीपे कर देते हो लोन तब आपके पास में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है यानी जिसको हम एनओ बोलते हैं या फिर एक लोन क्लोजर का सर्टिफिकेट आता है उसके बाद में आपको आर में जाके वो एनओ और लोन क्लोजर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा एंड फाइनली वो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर होती है तो इनडायरेक्टली तो और अपना मनी रिकवर कर लेगी ठीक है ये हो गया कमर्शियल बैंक के बारे में लेट्स ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक हम बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इज बैंक प्रोवाइड फंड्स टू फर्म्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अब देखो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब भी लोन चाहिए तब आपको मिल जाएगा अब जब भी लोन का मतलब ये नहीं होता है कि आप रात को दो बजे फोन करके लोन मांगोगे नॉट इन दैट वे डिप्रेशन का पीरियड हो या फिर बूम का पीरियड हो ठीक है जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट में मंदी और तेजी चल रही है दोनों ही केस में बैंक आपको लोन देगी और एज का मतलब क्या होता है जितना चाहिए उतना ठीक है तो बैंक प्रोवाइड फंड्स टू फंड एज मतलब जितना चाहिए उतना एंड जब चाहिए तब ठीक है डिपेंडिंग ऑन योर बोरोंग पावर और योर क्रेडिबिलिटी एक्सेट्रा ठीक है सेकेंड पॉइंट इज द बैंक कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड द बिजनेस कैन मेंटेन सीक्रेसी जब हम बैंक के पास में जाते हैं और हम लोन लेते हैं तो बैंक वो बात किसी को बताती नहीं है ठीक है बैंक के लिए वो एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है आपकी सिक्योरिटी लेना और आपको लोन दे देना ठीक है अब सीधी सी बात है हमको कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक को देनी पड़ती है ठीक है बैंक ऐसी हर किसी को तो लोन नहीं दे देगी वो देखेगी आपकी कमाई कितनी है लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना था आपका टर्नओवर कितना है आपके बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है इन सब के हिसाब से आपको लोन मिलता है लेकिन ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना ये बैंक कॉन्फिडेंशियल रखती है कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है सीक्रेट रखती है किसी को बताती नहीं है आपके कॉम्पिटिटर को या फिर कंज्यूमर्स को या आपके सप्लायर्स को किसी को ये बारे में पता नहीं चलता है ठीक है वहीं पे अगर आपने कोई दूसरे फॉर्म से लोन लिया है या फिर लेट से कि आपने कोई पर्सन से लोन लिया है तो आपकी सीक्रेसी मेंटेन होने की कोई गारंटी नहीं होती है हो सकता है वो पर्सन किसी को जाके बोल दे सिंपल सी बात है लेकिन बैंक कभी भी ये काम नहीं करती है ठीक है सो वेन यू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक तो सीक्रेसी इज गारंटीड नेक्स्ट पॉइंट नो फॉर्मेलिटीज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड सो इट इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड ठीक है जब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की तो अगर आपको कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो आपको प्रोस्पेक्टस छापने की जरूरत नहीं है न्यूज पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देना है बैंकर को अपॉइंट नहीं करना है अंडर राइटर को अपॉइंट नहीं करना है सेबी को फीस नहीं देनी है तो अल्टीमेटली आपके पैसे बचते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक के बारे में तो इट इज वेरी इकोनॉमिकल और चीप आप बोल सकते हो ठीक है लो कॉस्ट लगता है इस पर द लास्ट पॉइंट इज इट इज वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स एज लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज लेट से आपने एक करोड़ का लोन लिया था और आपने बोला था कि मैं फाइव ईयर्स में वापस दे दूंगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है और आप एक करोड़ रुपए सेवन एट मंथ्स में ही कमा लेते हो तो यू कैन गो एंड पे बैक द एंटायर अमाउंट इन वन शॉट लेट से कि आपने बीस लाख रुपए अचानक से कमा लिया तो आप जाके बीस लाख रुपए भी सामने दे सकते हो बैंक को तो अब आपका लोन कितना बचा वन करोड़ का था ट्वेंटी लैक्स आपने पे कर दिया तो एटी लैक्स लेट से कि आपने एक करोड़ का लोन लिया था और आपको और पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप क्या कर सकते हो अपने लोन अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हो ऑब्वियसली बैंक को सैंक्शन करना पड़ेगा डिपेंड करेगा कि बैंक को आपकी वैल्यूएशन ये सब चीजें सही लगती है कि नहीं बट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो लोन अमाउंट है ना वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो तो टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक बिकम्स वेरी फ्लेक्सीबल क्यों क्योंकि लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज एनी टाइम सिंपल ये थे मेरिट्स अब बात करते हैं डीमेरिट्स की सिंपल से आर ओनली थ्री डीमेरिट्स फर्स्ट इज फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक जनरली शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए लोन देती है नाव कमर्शियल बैंक है स्टार्टेड गिविंग लोन फॉर लॉन्ग टर्म बट अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए ही लोन देती है तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने अभी अभी काम करना शुरू किया है और उसका कैश फ्लो प्रोजेक्शन ऐसा है कि लेट्स से कि उसको ऐसा लगता है कि सेवन एट ईयर्स के बाद में मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो वो कमर्शियल बैंक से लोन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती है क्यों क्योंकि कमर्शियल बैंक तो लोन देती है सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए सिंपल सेकेंड पॉइंट बैंक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इश्यू ऑफ लोन अब बैंक को आपकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट छह महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका एड्रेस प्रूफ फ्ला 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 सो मेनी थिंग्स तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बैंक भले ही बाहर बातें नहीं बताएगी लेकिन आपको सारी चीजें बैंक को बतानी पड़ती है ठीक है तो बेसिकली आपके जितने भी बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं ना वो आपने किसको बता दिया कमर्शियल बैंक को ठीक है एंड द लास्ट पॉइंट इज इन सम केसेस में पुट रेस्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन अब लेट्स कि मुकेश अंबानी को लोन चाहिए और मुझे लोन चाहिए आयुष्मल को लोन चाहिए बैंक किसको लोन देने के लिए ज्यादा रेडी होगी ऑफकोर्स मुकेश अंबानी क्यों क्योंकि क्यों, सबको पता है कि देख ही कैन पे मनी ऑन टाइम और उसकी अर्निंग कैपेसिटी मेरे से बहुत ज़्यादा है और मेरी अर्निंग उसके आगे बहुत कम है मुकेश अंबानी के आगे बहुत कम है तो शायद हो सकता है कि बैंक जब मुझे लोन देगी ना तो मुझे बोलेगी कि सर आपको हर महीने की एक तारीख को ईएमआई देनी ही देनी है आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा आपको असेट्स मॉर्गेज करने पड़ेंगे बट हो सकता है मुकेश अंबानी को ऐसा कुछ बोला ही नहीं लग से कि मुकेश अंबानी से पाँच लाख रुपए के लोन लेते हैं और मैं भी पाँच लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मुकेश अंबानी को तो बैंक कुछ भी नहीं बोलेगी वो बोलेगी शायद ठीक है कोई एसेट रखने की जरूरत नहीं है क्यों उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली और मेरी बहुत कम है उनके आगे ठीक है तो हो सकता है कुछ कुछ केसेस में बैंक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर दे या फिर बहुत डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस बता दे वाइल्ड गिविंग लोन समझना है ये थे कमर्शियल बैंक अब ऐसा ही एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में